सी द समरी ऑफ द चैप्टर इन सम लाइन्स दिस लेसन इज आई एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत इट रिफ्लेक्ट्स द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्म राज धर्म राज इज ऑल्सो द नेम ऑफ युधिष्ठिर हिथ पेसेंस काइंडनेस लव फॉर हित ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस

द टेक्स्ट बिफोर टीचिंग द टेक्स्ट आई वॉन्ट टू टेल समथिंग अबाउट द स्टोरी ये आपका जो चैप्टर है ये वहाँ से शुरू हुआ है जब युधिष्ठिर और उनके भाई बनवास के लिए जंगल में भटक रहे थे एक बार ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर और उनके भाई जंगल में काफ़ी देर से टहल रहे थे इसलिए काफ़ी प्यासे हो गए थे युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक एक करके आदेश दिया कि जाइए और पानी की खोज कीजिए सबसे पहले नकुल सहदेव फिर अर्जुन भीम ये सभी लोग चले गए लेकिन कोई वापस नहीं आया जब ये लोग वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर बहुत परेशान हुए क्योंकि वो बहुत प्यासे भी थे और अपने भाइयों के ना आने पर बहुत चिंतित थे अब जो आपका चैप्टर है इसके आगे से शुरू होता है युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंग्जाइटी मीन्स चिंता एंड थर्स्ट कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्ज आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतज़ार कर रहे थे उन्होंने सोचा क्या हमारे भाई किसी अभिशाप से ग्रसित हो गए हैं या वो अभी तक जंगल में पानी की खोज कर रहे हैं कैं दे है फेंटेड अ डाइड ऑफ थ क्या वो बेहोश हो गए हैं या प्यास की वजह से मर गए हैं अनएबल टू बियर दीज थाट्स एंड ड्राइव by बाई एंड ओवर पावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फार and ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड जब वह इन विचारों को सहन न कर सके तो उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और वह अपने भाइयों की खोज में निकल पड़े इस आशा के साथ कि वो उनको अवश्य मिल जाएंगे युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन प्रोसीडिड मीन्स ही स्टार्टेड हिज जर्नी इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपान अ ब्यूटिफुल ग्रीन मेडो युधिष्ठिर उसी रास्ते पर गए जिस रास्ते पर उनके भाई गए थे और वो जंगली जो भालू थे या चितकबरे स्पॉटेड का मतलब यहाँ पर चितकबरे होता है हिरन और बड़ी बड़ी जो जंगली पक्षी थे उनसे भरे हुए मैदानों को पार करते हुए वो एक हरे घास के मैदान के पास आए अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर जो एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर था बट वन ही साइज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स लेकिन जब वहाँ पर उन्होंने अपने भाइयों को फ्लैग पोल्स की पड़े की तरह से पड़े हुए देखा फ्लैग पोल्स यू you नो know दैट वेयर वी टाइड फ्लैग अनेबल टू डिस्टेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वाइस एंड वेप्ट जब उन्होंने अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान पड़े हुए ज़मीन पर देखा तो वो अपने ग्रीफ यानी दुख को रोक ना सके और वो रोने लगे हिट एज द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरों को स्पर्श किया एज द ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉन क्योंकि वो बिल्कुल चुपचाप और शांत थे और उन्होंने विलाप करना शुरू किया वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आल अवर वोस जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू इंड यू हैव बीन टेकन अवे इवन द गॉड्स है फॉर शेकन मी इन माई मिस फार्च्यून्स क्या ये हमारे जो वोज़ हैं क्या ये उनका अंत है और वो भी तब जब हमारा वनवास एग्ज़ाइल हमारा जो वनवास है वो बिल्कुल समाप्त होने वाला है इवेन द गॉड्स है फॉर शेकन मी इन माई मिस फार्च्यून्स देवताओं ने भी हमारे इस दुर्भाग्य में हमें छोड़ दिया है एज ही लुक्ड देयर माइटी लिम्स माइटी स्ट्रांग शक्तिशाली लिम्स हाथ और पैरों के लिए यूज़ किया जाता है अंगों के लिए नाउ सो हेल्पलेस ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावर्ड फुल इनफ टू किल देम देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट एट वंस द वाइज विदाउट फॉर्म वन उन्होंने सोचना शुरू किया कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो हमारे भाइयों को मार सकता है क्योंकि वो खुद बहुत प्यासे थे इसलिए वो प्यास की वजह से तालाब में उतरे डिसेंडेड इट मीन्स उतरना टू गो डाउन साइड एट वंस द वाइस विदाउट फॉर्म वन तभी एक आवाज ने जिसकी कोई बॉडी नहीं थी बॉडीलेस लेस वाइस थी उसने युधिष्ठिर को रोका योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिन नॉट हीड माई वर्ड्स हेड मीन्स ध्यान न देना दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट एंसरिंग माई क्वेश्चन उस आवाज ने कहा कि आपके भाई भाइयों की मौत हो गई है क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट एंसरिंग माई क्वेश्चन उन्होंने बगैर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की डोंट फॉलो देम तुम भी उनका अनुसरण मत करो आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो क्वेंच का मतलब प्यास बुझाना दिस पूल बिलोंग्स टू मी ये तालाब मेरा है इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कूड बी नो अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेन्ड टू हिज ब्रदर्स युधिष्ठिर को ये समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि ये यक्ष के सिवाय और कोई नहीं है ये शब्द जो हैं यक्ष के हैं और उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा इट टुक हिम नो टाइम टू सी पॉसिबल वे आ ब्रिंगिंग देम बैक इन लाइफ उनको इसमें भी समय नहीं लगा कि किस पॉसिबल वे के से वो अपने भाइयों का जीवन वापस ला सकते हैं ही सेट टू दॉडी लेस वाइज प्लीज आस्क योर क्वेश्चन उन्होंने उस बॉडीलेस वाइज से बगैर शरीर की आवाज़ से कहा कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछिए द वाइज क्वेश्चनस रैपिडली रैपिडली का मतलब होता है जल्दी जल्दी वन आफ्टर एन अदर एक के बाद एक उस आवाज ने प्रश्न पूछना शुरू किया फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय हिम व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर व्यक्ति को खतरे में कौन बचाता है युधिष्ठिर रिप्लाइड करेज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया साहस बाय द स्टडाइंग ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज अगला प्रश्न था कि किस शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है नॉट बाई शडाइंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइस युधिष्ठिर ने उत्तर दिया किसी भी शास्त्र के पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम ये सिर्फ बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ से ही बुद्ध को प्राप्त किया जा सकता है दैय शास्त्र वाट इज स्विफ्टर देन द विंड हवा से तेज क्या है

सूखे हुए घास से भी मुरझाया हुआ होता है वाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर एक जो यात्री होता है उसका मित्र कौन होता है आंसर युधिष्ठिर ने दिया लर्निंग ज्ञान हु इज द फ्रेंड ऑफ वू स्टेज एट होम जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है युधिष्ठिर ने आंसर दिया युधिष्ठिर रिप्लाइड द वाइफ वो पत्नी है हो व कंपनी इज अ मैन इन डेथ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हुआ कंपनीज कौन साथ देता है मैन व्यक्ति का इन डेथ मृत्यु में यानी मृत्यु होने पर व्यक्ति का साथ कौन देता है युधिष्ठिर एप्लाइड धर्म यह धर्म है जो व्यक्ति का साथ देता है दैट एलोन अ कंपनीज द सोल इन इट्स सॉलिट्री जर्नी आफ्टर डेथ दैट एलोन अ जो सिर्फ अकेले साथ देता है द सोल आत्मा का इन इट्स सॉलिटरी एकांत यात्रा में आफ्टर डेथ मौत के बाद मौत के बाद सिर्फ धर्म है जो व्यक्ति के साथ जाता है उसके साथ रहता है द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच इज द बिगेस्ट वेसल वेसल का मतलब होता है बर्तन बिगेस्ट सबसे बड़ा अगला क्वेश्चन उस बॉडीलेस वॉइस ने कहा कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है आंसर वाज द अर्थ पृथ्वी विच कॉन्टेंस आल विद इन इट्स जो अपने आप में सब कुछ संग्रहित कर लेती है इज द ग्रेटेस्ट वेसल यानी आंसर था कि पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है जो सभी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेती है नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज हैप्पीनेस प्रसन्नता क्या है युधिष्ठिर अप्लाइड हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता इज द रिजल्ट परिणाम है ऑफ गुड कंडक्ट अच्छे कार्य का जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमको प्रसन्नता प्राप्त होती है वाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई आल ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति सभी का प्रिय हो जाता है यह अगला क्वेश्चन था यक्ष के द्वारा पूछा गया एंसर वॉज गिवेन बाई युधिष्ठिर प्राइड फॉर इफ मैन गिव्स अ बींग प्राउड विल बी लव्ड बाई आल उन्होंने कहा कि गर्व घमंड अगर व्यक्ति घमंड करना छोड़ दे तो सभी का प्रिय हो जाता है वाट इज द लॉस्ट विच ईड्स ज्वाय एंड नैट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द लॉस विच ईड्स जॉय वो कौन सा नुकसान है जो हमारे आनंद को बढ़ा देता है दुख को नहीं यानी हम चीज़ों को छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी हमारी प्रसन्नता बढ़ जाती है दुख के बजाय युधिष्ठिर रिप्लाइड एंगर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया क्रोध इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें वी विल बी नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू सारो तो हम दुखी नहीं होंगे वाट इज दैट बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रीच वो कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति अमीर हो जाता है एंसर वाज डिज़ायर इच्छा इफ मैन गिव्स अ बींग रेडी अगर व्यक्ति लालच करना छोड़ दें ही विल बिकम वेल्दी तो धनवान हो जाता है वाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण कौन सी चीज़ व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है इज इट बर्थ क्या ये जन्म है गुड कंडक्ट या अच्छा चरित्र है आर लर्निंग या ज्ञान है आंसर डिसिसिवली उन्होंने कहा इसको सोच समझ करके आप उत्तर दीजिए पूर्वक उत्तर दीजिए डिसिसिवली का मतलब होता है निर्णयात्मक पूर्वक बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण रिप्लाइड बर्थ एंड लर्निंग जन्म या ज्ञान डो नॉट मेक वन अ ब्राह्मण वो व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं गुड कंडक्ट एलोन डस सिर्फ अच्छे कार्यों की वजह से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है हाई वेल लर्नेड अ पर्सन मे बी व्यक्ति चाहे जितना पढ़ा लिखा हो ज्ञानी हो ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण वो ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स बगैर बुरी आदतों को छोड़े हुए इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदास भले ही उसने चारों वेदों का अध्ययन क्यों ना किया हो अमैन अ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास बुरे कर्मों वाला व्यक्ति हमेशा नीची क्लास में लोअर क्लास यानी निम्न श्रेणी में ही गिना जाता है आता है वाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन दर्ल्ड फिर उजावाद ने पूछा कि इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य क्या है एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार टू यस किंगडम यू द्लाइड एवरी डे प्रत्येक दिन मेन्चर्स क्रीचर्स मीन्स प्राणी डिपार्ट जाते हुए टू यमास किंगडम यम के राज्य में यानी व्यक्ति रोज मनुष्यों को मरते हुए देखता है एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर इवर लेकिन वो उसके बाद भी हमेशा यहीं रहना चाहता है दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर ये वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है दस द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन इस तरह से यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे एंड युधिष्ठिर एंसर्ड देम आल और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया इन द एंड दक्षास्त्र अंत में राजा ने पूछा ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड आपका एक भाई जीवित हो सकता है हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ आप किसे जीवित कराना चाहते हैं इट टूक युधिस्टिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग नकुल लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनिट्री माइट एराइज युधिष्टिर को ये सोचने में एक क्षण लगा एंड देन ही विस्ट उसके बाद उन्होंने इच्छा की दैट की क्लाउड कॉम्प्लेक्शन क्लाउड का मतलब होता है बादलों जैसी और कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंगत वाली यानी बादलों जैसे रंग वाले लोटस आइड कमल जैसी आँखों वाले ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले एंड लॉन्ग नेक और लंबी गर्तन वाले नकुल। लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री माइट राइज जो एक आमनूस के पेड़ के तरीके से पड़े हुए हैं वो जीवित हो जाएं। द यक्ष वाज प्लीस्ड एट दिस यक्ष इस बात पर प्रसन्न हुआ एंड आज युधिष्ठिर, दिस्टिर वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ सिक्सटीन थाउजेंड एलिफेंट्स उन्होंने कहा कि आपने नकुल को क्यों चुना भीम की अपेक्षा जिनके अंदर सोलह हजार हाथियों की शक्ति है स्ट्रेंथ ताकत सिक्सटीन थाउजेंट एलिफेंट्स सोलह हजार हाथियों की आई हैव हर्ड दट भीम इज मोस्ट डियर टू यू मैंने सुना है कि आपको भीम सबसे ज़्यादा प्रिय हैं एंड वाई नाट अर्जुन और अर्जुन को क्यों नहीं हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन जिनकी बाहों की शक्ति में आपका बचाव है प्रोटेक्शन है टेल मी वाई यू चूज नकुल रेदर दैन आई दर ऑफ टू आप हमें बताएं कि आपने इन दोनों की अपेक्षा नकुल का चुनाव क्यों किया युधिष्ठिर रिप्लाइड युधिष्ठिर ने आंसर दिया ओ oh, यक्ष हे यक्ष धर्मा इज़ द ओनली सील्ड ऑफ मैन शील्ड का मतलब कवच एंड नाट भीम आर अर्जुन जो व्यक्ति का कवच है जो उसकी शील्ड है वो धर्म है भीम या अर्जुन नहीं इफ धर्मा इज गिवेन ऑफ मैन विल बी रूइन अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा कुंती एंड माधुरी वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर मेरे पिता की दो पत्नियाँ थीं कुंती और मादरी आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड इसलिए वो पूरी तरीके से असहाय नहीं है ब्रीव्ड का मतलब यहाँ पर असहाय जिसका कोई ना हो इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवेन न्याय के तराजू को बराबर रखने के लिए आई आज दैट मादरी सन नकुला में रिवाइव मैंने माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कहने के लिए कहा द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ विद युधिष्ठिराज इम्पारशियलिटी इम्पारशियलिटी मीन्स निष्पक्षता भेदभाव न करना एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स कम बैक टू लाइफ और उसने उनके सभी भाइयों के जीवन को वापस कर दिया इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ ये जो बॉडीलेस वाइस थी रियली इट वॉज यम ये यम थे यमराज थे द लॉर्ड ऑफ डेथ जो मौत के स्वामी हैं मौत के देवता हैं हु है टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था सो दैट ही माइट्स युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम जिससे वो युधिष्ठिर को देख सकें एंड टेस्ट हिम और उनका परीक्षण कर सकें उनकी परीक्षा ले सकें हेम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम और उनको आशीर्वाद दिया देन ही डिसपियर्ड उसके बाद वो गायब हो गए सो स्टूडेंट्स इट वॉज़ द फर्स्ट चैप्टर फ्राम योर प्रोज फ्रॉम द प्रोज फोर क्वेश्चन विल कम फर्स्ट क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू पैसेस एंड रिलेटेड टू दैट पैसेज 2 questions will be given and you have to write those answers 2 plus 2 in 4 marks. Second question will be related to long answer, 2 questions will be given, you have to attempt any one, it also will be in 4 marks. Your third question will be 3 short questions will be given and you have to pick any 2 2 plus 2. It means in four marks. And fourth question will be related to prose one matching. Matching will be in four marks. After that, students, your fifth question will be related to poetry. One passage will be given and that passage contains two questions. It two plus two, it means 4 marks, 5th question will be related to poetry. And your 6th question will be related to central idea or poem, you have to write either central idea or poem in 3 marks. After that, 2 questions will be related to supplementary in 4 marks and one question related to true false in four marks and one will be multiple choice in four marks so this type total will be 35 marks i hope that you will prepare this chapter properly thank you so much